जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो अगला चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन और इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके बहुविकल्पी उनको मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? विकल्प हैं 10%, 20%, 30% या 40%। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। अगला दोस्तों प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है? और विकल्प हैं दोस्तों IUCN, WTO, UN या FAO। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची IUCN नामक संस्था तैयार करती है। और संकटग्रस्त प्रजातियां क्या हैं दोस्तों? वह प्रजातियां जो अपने वातावरण में 10 से 20 साल के अंतर्गत नहीं देखी गई, यानी जिनकी प्रजाति ही नष्ट होती जा रही है, वही संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है? विकल्प हैं दोस्तों मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से या वायु संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन दोस्तों किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। और चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन था दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा। कभी कभी यह प्रश्न भी आ जाता है कि चिपको आंदोलन का आरंभ किसने किया, तो आप उत्तर लिखेंगे सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? विकल्प हैं दोस्तों 1970 ईस्वी, 1972, 1983 ईस्वी या 1990 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? विकल्प हैं 1973 में, 1975 में, 1980 में या 1989 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइगर प्रोजेक्ट 1973 ईस्वी में आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों विकल्प हैं कृषि प्रसार, पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं या तीव्र औद्योगीकरण और शहरीकरण। दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि किस कारण से वनस्पतियों और प्राणियों का विनाश हो रहा है? प्राणियों यानी विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजातियों का विनाश हो रहा है और इसका सही कारण इनमें से नहीं है, तो कौन सा ऐसा कारण है जो प्राणी जात और वनस्पति जात के विनाश का कारण नहीं है? कृषि प्रसार, कृषि का प्रसार होता है तो इनका ह्रास होता है, किसका? प्राणी जात और वनस्पति जात दोनों का। पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, तीव्र औद्योगीकरण और शहरीकरण। और दोस्तों इनमें से सही उत्तर क्या है? पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करने से किसी भी तरह की प्राणी जात और वनस्पति जात का ह्रास नहीं होता। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? आपके विकल्प हैं संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन या वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? इसका सही उत्तर हो जाएगा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन।
अगला प्रश्न है, सुंदर वन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? और यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए, क्योंकि यह प्रश्न 2020 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। दोस्तों विकल्प हैं असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुंदर वन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों इस चैप्टर के इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों इसके पहले की सीरीज आपने नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपनी विषय से संबंधित और इन जो सामाजिक विषय के महत्वपूर्ण वीडियो हैं इनको भी आप देख लीजिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए। दोस्तों अपनी पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपना व अपने परिवार का विशेष ध्यान दीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।